नमस्कार दोस्तों, हमने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट को कुछ प्रश्न पूछे थे कि प्राइमरी हेल्थ वर्कर या फर्स्ट एडर यानी कि CMSED या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, वो जो रेस्क्यू करते हैं लोगों को इंजरी यानी कि कोई चोट लगने से बचाते हैं रोड पे या स्कूल में या कि कहीं कम्युनिटी में, कहीं जन समुदाय में, वो किसी जगह पे भी स्थिर हों या दूसरी जगह पे हों या मोबाइल हों, जो भी, क्या वो एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेडिकल वेस्ट पोल्यूशन बोर्ड इन एवरी स्टेट इंक्लूडिंग दिल्ली? तो हमने इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर्स, फर्स्ट एडर, प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स जो कि लोगों को रोड्स पे बचाते हैं, तो रोड्स पे भी NHA के जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे भी एक मोबाइल पोस्ट होती है, बसों में भी होते हैं फर्स्ट एडर्स कंडक्टर के तौर पे, स्कूलों में भी होते हैं, जन समुदाय में भी होते हैं, सभी के लिए पूछा क्या वो एलिजिबल हैं दिल्ली में और दूसरी स्टेटों में, वेदर इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग दिल्ली आर एलिजिबल फॉर बायोमेडिकल रजिस्ट्रेशन एवरी स्टेट UT इंक्लूडिंग दिल्ली। तो UT के बारे में भी पूछ लिया, इलेक्ट्रोपैथी के बारे में भी, फर्स्ट एडर प्राथमिक उपचार देने वालों को, प्राथमिक उपचार कौन देता है, CMSED कम्युनिटी हेल्थ वर्कर देता है या PCCH वाला देता है, प्राइमरी हेल्थ वर्कर। तो आगे से जवाब आया, ये देख सकते हो आप, इस जवाब में क्या लिखा है, ये September 23, दिस इज रेफरेंस टू अबव रेफर्ड RTE एप्लीकेशन 2580 की जो है इन्फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन ऑथराइजेशन अंडर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 फॉर प्राइमरी हेल्थ वर्कर ऑफ फर्स्ट एडर हु रेस्क्यू पीपल फ्रॉम इंजरी ऑन रोड और स्कूल। इन दिस रिगार्ड इट इज इन्फॉर्म दैट एज पर BMWM रूल, तो 2016, एवरी ऑक्यूपायर हु जनरेट, कलेक्ट, रिसीव, स्टोर, ट्रांसपोर्ट, ट्रीट, डिस्पोज, हैंडल बायोमेडिकल वेस्ट। अब आप कहेंगे कि एक बंदा फर्स्ट एडर है, वो इंजेक्शन कहाँ लगाता है, नहीं लगाता, ड्रिप नहीं लगाता, इंजेक्शन नहीं लगाता, मान लो सैंपल भी नहीं लेता, पट्टी तो करता है ना, पट्टी जो पुरानी उतारेगा उसको फेंकेगा, वो भी तो बायोमेडिकल वेस्ट है, ठीक है जी। तो उसके बारे में लिखा है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटमेंट डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन लाइन विद प्रोविजन अंडर सेट रूल्स, फर्दर एवरी ऑक्यूपायर हु इन्वॉल्व्स इन जनरेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट के लाइन में ऑक्यूपायर है, ऑब्टेन ऑथराइजेशन, उसको लेना पड़ता है ऑथराइजेशन फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट, इन केस ऑफ दिल्ली, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी है 2016। इसका मतलब वो बंदा एलिजिबल है तभी। और अब यहाँ पे ऑक्यूपायर देखते हैं कि ऑक्यूपायर होता कौन है, यहाँ पे हम ऑक्यूपायर देख लेते हैं कि ऑक्यूपायर है कौन है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मस्ट गिव, जो यहाँ डेफिनेशन मैं खो रहा हूँ नेट पे, पोल्यूशन के मुताबिक ऑक्यूपायर कौन सा है बंदा, तो यहाँ लिखा है, एक मिनट, ऑक्यूपायर के बारे में लिखा है इन रिलेशन टू फैक्ट्री और प्रीमिसेस मींस ए पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ फैक्ट्री और प्रीमिसेस एंड इंक्लूड इन रिलेशन टू एनी सब्सटेंस द पर्सन विच पोजेशन ऑफ द सब्सटेंस प्रिस्क्राइब मींस प्रिस्क्राइब बाय रूल मेड अंडर दिस एक्ट। तो ये ऑक्यूपायर है जो प्रेमिसिस या फैक्ट्री के रिलेशनशिप में, उसका जवाब है। तो ये जवाब दिया एडिशनल डायरेक्टर CPIO वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन 1 माननीय VP यादव जी ने सितंबर 23 को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल भारत सरकार पर्यावरण वन एम जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं, अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। धन्यवाद।